स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स की। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इसके नाम को अगर हम देखें तो लिक्विड क्रिस्टल्स यानी कि क्रिस्टल्स और लिक्विड दोनों वर्ड्स आ रहे हैं ना। हालांकि ये तो अलग अलग स्टेट्स होती हैं, यानी कि क्रिस्टल जो होती है वो सॉलिड्स में आ जाती है, सॉलिड की एक टाइप होती है, हम कहते हैं फॉर्म होती है, ठीक है, टाइप कह सकते हैं हम, टाइप ऑफ सॉलिड। और लिक्विड क्या होती है, लिक्विड हमें पता है एक और स्टेट ऑफ मैटर है। तो दोनों स्टेट ऑफ मैटर्स के हम देखते हैं दरमियान में एक फेज आती है, ठीक है, हम कहते हैं एक फेज आती है जो कि थोड़ी सी मिल्की सी होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये मिल्की फेज होती है। मिल्की के अलावा हम इसको कहते हैं टर्बिड भी कह सकते हैं, कि ये जो है वो एक टर्बिड, या हम जिसको हम कहते हैं ना गदली सी, ठीक है, यानी कि जो क्लियर नहीं होती, इस तरह की फेज होती है। अब क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमें अंदाजा है किस तरह के होते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम देखते हैं कि वो क्लियर तो नहीं होते ना, लेकिन लिक्विड एक क्लियर सी चीज होती है जिसके अंदर हमें इस तरह से कोई हम देखते हैं टर्बिडिटी नजर नहीं आती, ठीक है, और उस यानी मिल्कीनेस नहीं होती। जिस तरह से अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो एक फेज नजर आ रही है, ये लिक्विड क्रिस्टल्स की एक फेज है, ठीक है, जो कि दो स्टेट्स ऑफ मैटर के दरमियान में ये एक फेज आती है और बहुत प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि क्रिस्टल्स हमें डिस्टिंक्टली नजर आते हैं, लिक्विड भी हमें डिस्टिंक्टली पता चलता है कि ये लिक्विड है, लेकिन बीच में इसके अंदर जो है वो एक ऐसी फेज आ गई जिसके अंदर क्रिस्टल्स की भी प्रॉपर्टीज आ गई और लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया लिक्विड क्रिस्टल्स। अब इसकी जिस तरह से हमें पता है एलसीडी के हमने नाम सुना है, एलसीडी क्या होती है, एलसीडी होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसके अंदर क्या यूज होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स यूज होते हैं, ठीक है, थीके? तो अगर इसके बारे में हम देखेंगे, सबसे पहले कब पता चला इनके बारे में, फ्रेडरिक रिनेट्सर एक बॉटनिस्ट थे, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट, जो काम कर रहे थे कोलेस्टेराइल बेंजोएट पे, जो कि एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक नेचुरल कंपाउंड होता है जिसमें हम देखते हैं डेफिनेटली कोलेस्टेराइल के नाम से लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हुआ होगा, ठीक है, तो वो उस पर काम कर रहे थे कोलेस्टेराइल बेंजोएट को, जब उन्होंने हीट किया ना, तो सबसे पहले तो हुआ ये कि ये क्या था, ये यहाँ पे किस फॉर्म में मौजूद था, ये यहाँ पर मौजूद था क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ये मौजूद था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसको जो है वो हीट किया, ठीक है, इसको ये कह रहे थे हीट, जब उसको हीट किया और इसको उन्होंने 179 पे क्लियर लिक्विड बनाना था, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे इन्होंने क्या बनाना था, लिक्विड फॉर्म में बनाना था। अब लिक्विड फॉर्म में बनाते बनाते जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि 179 डिग्री सेल्सियस पे बन जाना चाहिए था इसको लिक्विड, ठीक है, अभी 179 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो अटेन नहीं हुआ था, ठीक है, अभी कितना हुआ था, अभी जस्ट 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो अटेन हुआ था। तो इसमें देखा गया कि एक अलग से फेज आ गई और उसको जब एनालाइज किया तो देखा कि उसके अंदर क्रिस्टल प्रॉपर्टीज भी थी, ठीक है, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज भी थी और उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टीज थी, उसके अंदर लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि लिक्विड भी लिख देते हैं। तो 1800 में इसके ऊपर इसको जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया इस फेज को, लेकिन बाद में ऑटोमैन लेहमन ने 1888 में हम देखते हैं कि इस फेज को नाम दिया लिक्विड क्रिस्टल का, ठीक है, यानी कि इसको पहले डिस्कवर किया गया और बाद में इसका जो है वो नाम जो है वो 1888 में दिया गया और ये हमारे पास एक नई फेज आ जाती है। अच्छा, हमने ये भी बात की कि इसमें प्रॉपर्टीज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वाली भी होती हैं और लिक्विड्स वाली भी होती है ना, तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज जो है वो शो की जाती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से अब हीट किया जा रहा है तो क्रिस्टल से लिक्विड क्रिस्टल और उसके बाद फिर लिक्विड बनाना, तो इसी का अगर रिवर्स प्रोसेस हम कर दें, यानी कि हम लिक्विड को क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, तो पहले लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म आएगी और उसके बाद किसकी फॉर्म आएगी, उसके बाद क्रिस्टल्स की फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें कि हम इनको इसके जो बीच में हमने एरोज लगाए हैं और अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां से हम ऐसा करते हैं, इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं कि किस तरह से क्रिस्टल टू लिक्विड जाए या लिक्विड टू क्रिस्टल जाए तो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल की बीच में फेज आती है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि क्रिस्टल्स को क्या होता है कि जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास एक टर्बिड सी मिल्की सी फेज आ जाती है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कह देते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास क्लियर लिक्विड आ जाता है, ठीक है, और रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल होता है, यानी कि लिक्विड्स को अगर हम कूल करें तो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी टर्बिड सी मिल्की फेज, और उसके बाद जब हम इसको और कूल करें, मजीद कूल करें, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है, हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इनके ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि अगर हम ऑर्डर के लिहाज से बात करें तो इनमें जो अरेंजमेंट होती है ना, वो देखते हैं हम कि जिस तरह क्रिस्टल्स में अरेंजमेंट है और जो लिक्विड्स में अरेंजमेंट है, इनके इनके बीच में एक फेज होती है, ठीक है, किस तरह से होती है हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्रिस्टल्स में किस तरह की फेज आ जाती है। क्रिस्टल्स में अगर हम देखें, सॉरी, अरेंजमेंट आ जाती है या ऑर्डर आ जाता है, तो ये जो अरेंजमेंट या ऑर्डर है ये क्रिस्टल्स में होता है जो कि स्ट्रिक्ट पैटर्न पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। 3D पैटर्न होगा या स्ट्रिक्ट एक पैटर्न होगा, फिक्स्ड पैटर्न होगा, उसके अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। जैसे से हम यहाँ पे अरेंजमेंट देख रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स की फेज आती है, यानी कि हम हीटिंग कर रहे हैं। तो जब हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ये जो हम देखते हैं कि ये चेंज करते हैं अपनी मूवमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी इसमें डिसऑर्डरलीनेस आ जाती है, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी फर्क आया है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। और इस फेज की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्मेक्टिक फेज, ठीक है। ये एक बीच में फेज आती है, तो फर्स्ट फेज जो आती है हम देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स में, इसको हम कह देते हैं स्मेक्टिक फेज, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्मेक्टिक फेज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मजीद हीटिंग करते हैं, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मजीद हीट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सॉरी, इसको हम थोड़ा सा ठीक डालेंगे, ये एरो है, ठीक है, और इसको हम मजीद क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो मजीद हीटिंग करने पे हम देखते हैं कि थोड़ी सी डिसऑर्डरलीनेस मजीद आ जाएगी, ठीक है। किस तरह से आती है हम ये देख लेते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास थोड़ी सी मजीद डिसऑर्डरलीनेस आ जाती है, ठीक है। ये इस तरह से आ गई। इस फेज का भी एक नाम है और इस फेज का नाम होता है निमेटिक फेज, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे निमेटिक फेज, ठीक है, ये निमेटिक फेज आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब मजीद हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनली कौन सी फेज आ जाती है, हमारे पास जो है वो क्लियर लिक्विड की फेज आ जाती है। और क्लियर लिक्विड में हमें पता है कि हैप हैजर्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास अरेंजमेंट नहीं होती बल्कि डिसऑर्डरलीनेस आ जाती है, और ये हमारे पास लिक्विड फेज आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स जो है या एटम्स जो है वो किस तरह से होते हैं, हैप हैजर्ड होते हैं, ठीक है, जिस बिल्कुल इस तरह यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना, इस तरह से आ जाते हैं। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस लिक्विड क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है, जो ये लिक्विड क्रिस्टल की फेज शो करते हैं, उनको हम अगर देखें तो वो उनमें हमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रॉड लाइक नजर आते हैं। अब देखें इसकी जो क्रिस्टल्स हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमें रॉड लाइक नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम देखें स्मेक्टिक फेज है, निमेटिक फेज है, इनमें हमें रॉड लाइक नजर आ रहे हैं। इवन क्लियर लिक्विड में बेशक रैंडम है, ठीक है, यानी कि इनकी अरेंजमेंट नहीं है, डिसऑर्डरलीनेस है, लेकिन ये रॉड लाइक है। इसी तरह हम देखते हैं, हमने कोलेस्टेरॉल बेंजोएट की बात की थी, तो जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसके अंदर हमारे पास एक और फेज भी आ जाती है, और उस एक और फेज की बात करेंगे, ये वो कौन सी फेज होती है, इसमें हमारे पास लेयर्स सी आ जाती हैं, ठीक है, और किस तरह की लेयर्स आती हैं ये हम देख लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, थीके? तो निमेटिक फेज जो है ये हमारे पास, जब इसके बाद मजीद हीटिंग करते हैं तो कौन सी फेज आती है, कोलेस्ट्रॉल में अगर, या कोलेस्ट्रॉल के जो से डिराइव हुए, तो जिस तरह कोलेस्टेरॉल बेंजोएट था तो उनमें कोलेस्टेरिक फेज आ जाती है, ठीक है, और हम इसमें हम देख रहे हैं कि लेयर्स आ गई, ठीक है, तो ये मजीद इसमें जो है वो डिसऑर्डरलीनेस आ गई, और उसके बाद फाइनली हमारे पास जो है वो क्लियर लिक्विड फेज आ जाती है, ठीक है। और इनकी जो शक्ल है वो हमने देख ली, मिल्की सी होती है। अच्छा, एक और जो हमने यहाँ पे बात करनी है वो किस चीज की करनी है, हमने यहाँ पे बात करनी है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड क्रिस्टल्स में मौजूद होती हैं, यानी कि इंटरमीडिएट होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्रिस्टल की आती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिक्विड क्रिस्टल्स में लिक्विड की आती हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम बात करें तो हम क्रिस्टल के नीचे लिखेंगे वो प्रॉपर्टीज लिक्विड क्रिस्टल्स की जो कि क्रिस्टल से आती हैं। तो अगर इन प्रॉपर्टीज को देखा जाए या हम इनको हम लिखें, तो यहाँ पर इनकी एक प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, ऑर्डर, ठीक है। क्रिस्टल्स, जिस तरह क्रिस्टल्स में हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल्स में भी टू सम एक्सटेंट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सिस्मेक्टिक में हम देख रहे हैं कि इन तीनों फेज में से सबसे ज्यादा जो ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है वो किस में फॉलो किया जा रहा है, वो सिस्मेक्टिक फेज में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल्स में हम देखते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर है, यानी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है, और इसे हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, ठीक है, ट्रॉपी।
तो एन आइसोट्रॉपी क्या होती है, वाई को हम थोड़ा ठीक करके लिखेंगे, एन आइसोट्रॉपी क्या होती है कि देखिए अगर सिमेट्रिक फेज में से यहां से मैं क्या करूं कि इसकी प्रॉपर्टीज को इस तरह से स्टडी करना शुरू करूं, ठीक है, तो वो अलग तरीके से प्रॉपर्टीज शो होंगी, अलग तरीके से सिमेट्रिक फेज बिहेवियर शो करेगी, और अगर मैं इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू करूं तो ये अलग तरीके से प्रॉपर्टीज शो करेगी, अलग बिहेवियर शो करेगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी, यानी कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है, जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। और लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर हम लिक्विड्स की यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिस तरह से लिक्विड्स फ्लूइड होती हैं, ठीक है, यानी कि क्या करती हैं, फ्लो कर सकती हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्लूइड्स, यानी कि जिस तरह गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं तो वो भी फ्लूइड्स होते हैं, और इनकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है फ्लूइडिटी। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनमें फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं विस्कोसिटी होती है, यानी कि जब ये मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि इसमें जो है वो गाढ़ी है, या इसके फ्लो जो है उसको जो, उसमें जो फ्लो, इसके फ्लो को जो रेजिस्टेंस मिल रही होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है कि जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना उसको अंदर की तरफ फोर्स लग रही होती है, ठीक है, ऊपर वाली जो लिक्विड की, या हम कहते हैं चलिए लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है ना जो कि क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल्स में आई है, तो ऊपर की जो सर्फेस होती है, यानी जो सर्फेस होती है उसको अंदर की तरफ फोर्स लग रही होती है, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो उसको सर्फेस टेंशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, हमने देखा कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, ये एक फेज है जो कि दो स्टेट्स ऑफ मैटर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्लियर लिक्विड्स के दरमियान में आती है, ठीक है, और इनको इसमें हमने देखा कि ये हमारे पास जो है वो एक मिल्की फेज होती है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है लिक्विड क्रिस्टल्स की फेज कहलाती है।